हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वीवीएन मार्केट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपस्टॉक पे अपना फ़ंड विड्रॉल करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में काफ़ी लेट से पहुंचता है, कभी कभी आता भी नहीं है। तो इसके लिए एक ईमेल करना पड़ता है, तभी आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा अकाउंट में आ जाता है। बस आपको कुछ स्टेप का फॉलो करना है एंड आप यहाँ पर देखेंगे, हमने विड्रॉल फ़ंड किया है अभी, आप देख सकते हो। जस्ट वेट, हम अपने अकाउंट पर जाते हैं एंड यहाँ पे अकाउंट पे आप देख सकते हो जो ये विड्रॉल फंड है ये पेंडिंग में दिखा रहा है। ये देखो गाइस, अब यहाँ पे टच करते हैं एंड रिसेंट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, ये जो विड्रॉल फंड है ये रिसीव्ड दिखा रहा है, बट हमारे बैंक अकाउंट में अभी ये फ़ंड अवेलेबल नहीं हुआ है। इसके लिए आपको अपस्टॉक टीम के पास एक ईमेल करना पड़ेगा, तभी आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा अवेलेबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो हमको निशान चिन्ह देखने को मिलता है क्वेश्चन मार्क का, इसी पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, देखना है कैसे यहाँ पे क्या होता है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे घबराना नहीं है आपको, सिंपल से हम जो स्टेप फॉलो करते हैं आपको वही फॉलो करना है। एंड यहाँ पर हमको कौन सा प्रॉब्लम है उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, हमको फ़ंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमको फ़ंड सेलेक्ट करना है एंड फंड पे हम क्लिक करते हैं। जस्ट वेट, ये हमारा एक न्यू वेबसाइट पे लेके जाएगा। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है फ़ंड विड्रॉल, इस पे हम क्लिक करेंगे, फ़ंड विड्रॉल पे सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट इसमें जो ऑप्शन है वो काफ़ी बेस्ट है, ये 4th वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। हाउ मच कैन विड्रॉल ए टाइम फ्रॉम माई अपस्टॉक अकाउंट, ये बता रहा है आपने जो विड्रॉल फ़ंड किया है कितने टाइम पे आपके अकाउंट में ये विड्रॉल फ़ंड आ जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हो, हमने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे एक टिकट बनाना पड़ेगा आपको। ये देखो गाइस, टिकट यहाँ पे आप एक क्रिएट कीजिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अपस्टॉक के न्यू पेज पे। यहाँ पे जो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वही हमको फिल करना है, आपने जो नंबर लगाया था डीमैट अकाउंट ओपन में वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। आप स्टेप बाय स्टेप आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप फिल करते रहिए। अब अपना मोबाइल नंबर हमने फिल किया एंड जो अपस्टॉक का जो क्लाइंट कोड है वो हमको फिल करना है एंड ईमेल आईडी भी जो रजिस्ट्रेशन में आपकी लगी थी डीमैट अकाउंट में वो हमको यहाँ पे फिल करना है एंड जो इशू है हमारा अपस्टॉक से वही हमको इशू सेलेक्ट करना है। हमको फ़ंड से रिलेटेड इशू है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। जस्ट वेट, फ़ंड रिलेटेड हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पर जो आपका नेम है वो आपको फिल करना है। एंड कैटेगरी जो है आपकी कौन सी कैटेगरी है, विड्रॉल फंड से है या अकाउंट स्मार्ट ट्रांसफ़र, आपने ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ट्रांसफ़र में सेलेक्ट करना है एंड हमको केवल विड्रॉल फंड से प्रॉब्लम है उसी पे हम क्लिक करते हैं। विड्रॉल फंड पे हमने क्लिक किया एंड विड्रॉल फंड से क्लिक करने के बाद जो नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है इस पर हम शेयर स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन डिटेल एंड एरर मैसेज का हमको स्क्रीनशॉट लेना है। जब आपने विड्रॉल फंड किया था उसका आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जो आपको पेंडिंग या रिसीव्ड दिखाता है उसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड सब्जेक्ट वाइज पे जो हमको इशू है वही हमको यहाँ पे लिखना है। जस्ट वेट, हम टाइप करते हैं एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज पे हमने लिखा है विड्रॉल फंड नॉट सो माय बैंक अकाउंट एंड डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो प्लीज़ हेल्प मी अपस्टॉक टीम, मतलब हमने डिस्क्रिप्शन में ये लिख दिया है कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक हमारा पैसा अवेलेबल नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर अटैचमेंट फाइल पर आपको क्लिक करना है, जो आपने स्क्रीन शॉट लिया था वही आपको यहाँ पर ऐड करना है, मैक्सिमम आप 1 से 2 करेंगे तब भी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। जस्ट वेट, हम अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे फिल करते हैं एंड गाइस हमने अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर लिया है एंड सबमिट पे जो है आई एम रोबो का इसे हम फिल करेंगे।
एंड सबमिट कर देते हैं। एंड सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। एंड गाइस देख सकते हो अपस्टॉक की टीम का हमारे पास ईमेल आ चुका है। जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के बाद सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ईमेल किया था अपस्टॉक की टीम के पास, उन्होंने हमारा मेल जो है एक्सेप्ट कर लिया है और ये प्रॉब्लम कुछ टाइम के बाद सॉल्व हो जाएगी। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो ये नोट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं टाइम फ्रेम पे हमको अपना विड्रॉल फंड विड्रॉल करना होता है एंड इसी टाइम पे हमको एक ईमेल क्रिएट करना पड़ता है अपस्टॉक की टीम के पास जो हमको कोई प्रॉब्लम होता है। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल फॉर फर्स्ट टाइम विजिट की तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।